Audio Jungle. स्वागत है आप सभी का द डागर फैमिली में। और आज आ गए हैं हम एक नए व्लॉग में। तो जैसे कि कल के व्लॉग में आप लोगों ने देखा, छठ पूजा में देखने गए थे हम लोग। तो आज छुट्टी है क्योंकि छठ पूजा थी मॉर्निंग में, तो सब छठ पूजा में बिजी हैं, इसलिए आज हमारी छुट्टी थी। और इसीलिए मैंने सोचा बच्चों के लिए कुछ स्पेशल लंच बनाया जाए, तो इसलिए मैं बना रही हूँ, मतलब नूडल्स बोल दो चाउमीन बोल दो, वही बना रही हूँ। तो उसके लिए दिखाती हूँ मैंने आपको क्या क्या तैयारी कर रखी है। देखिए दोस्तों, मैंने नूडल्स जो हैं वो अच्छी तरह से बॉईल कर ली हैं और फिर इसको ठंडे पानी में धो के अच्छी तरह ताकि ये अलग अलग रहें। और फिर मैंने इसको ठंडा कर दिया है, काफ़ी देर से मैंने इसको ठंडा कर रखा है। और मैंने ये सब्जियाँ जो हैं वो अच्छी तरह कट कर ली हैं, देखो जिसमें गाजर है हमारी, अनियन है, और पत्ता गोभी हमारे पास थी नहीं, और इसमें मैं डालूँगी ग्रीन अनियन और कुछ कॉर्न मैं इसमें मिक्स करने वाली हूँ। और मैंने ये यहाँ पर ऑयल जो है वो गरम करने के लिए रख दिया है। चलिए करते हैं शुरू। देखिए दोस्तों, मैंने ग्रीन अनियन जो है ये ऊपर के अलग करके रख रखे हैं, पहले ही मैंने कट करके बॉक्स में रख रखे हैं ताकि ये ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहे। ऐसे रखेंगे तो ये काफ़ी इनकी लाइफ टाइम जो है वो बढ़ जाती है और ये फ्रेश रहेंगे। और अब मैं ये इसमें ऐड करके हमारा ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब मैं सारी सब्जियां जो हैं वो इसमें अच्छी तरह से डाल दूँगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने ग्रीन अनियन जो है वो मिक्स कर दिया है और मेरा जो ऑयल है वो गर्म हो चुका है, बिल्कुल हॉट। देखिए कितनी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है और मैं फटाफट इसको स्टर करूँगी। देखो इस आवाज से पता चल रहा होगा कि कितना गर्म है ये ऑयल और ये कलरफुल लग रही है, बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है ये। और अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा चिली पाउडर और थोड़ी सी हल्दी, मतलब नमक मिर्च और हल्दी, थोड़ा सा टेस्ट के लिए डालूंगे क्योंकि हम लोग तो डालते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैंने तीनों चीज़ें डाल दी हैं और अब इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। देखो देखो हमारी जो गाजर जो है ना पक चुकी है, ज़्यादा पकने तक नहीं है। और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ थोड़ा सा सोया सॉस। देखो सोया सॉस डाल गया और इसमें डालिए हमारी। तो अब देखो दोस्तों, मैंने अच्छी तरह से ना मिक्स कर दिया है, देखो कितना ज़्यादा ये यम्मी लग रहा है। और फाइनली मैं गैस कर रही हूँ ऑफ क्योंकि मेरी हो चुकी है नूडल्स तैयार, क्योंकि ये ऑयल थी सब्जियाँ हो गई। दोस्तों देखो, नूडल्स तो बन चुकी है, फाइनली वेट है बच्चों का, बच्चे आ रहे हैं और फिर उनको मैं लंच देती हूँ। मॉर्निंग में वैसे वो कुछ खाते नहीं गए, आज लेट उठे थे वो, तो इसीलिए थोड़ा स्पेशल बना लेंगी मैं, इसीलिए उनके लिए जो बनाना था वो मैं बना चुकी हूँ। अब बस उनका वेट कर रही हूँ, आने वाले हैं वो। नीचे छोटे बच्चे आ चुके हैं, वो स्कूटी पे आते हैं और बड़े वाले पैदल आते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा उन्हें, उनके आते ही कपड़े चेंज कर ले और फिर उनको मैं यम्मी सा लंच देती हूँ। मेरी बेटी की तो बहुत फेवरेट है नूडल्स, तो करते हैं उनका वेट। देखो ये आ गए मेरे बच्चे, मैं मिट्टू आ गया, अब बस एक चेंज करेगा फिर मैं इसको खाना दूंगी अम्मी अम्मी। और ये दोस्तों देखो, ये सबकी नूडल्स जल चुकी है और ये सही सी। और ईशु कैसी है बेटा?
अभी चखी नहीं है, अभी तो तूने चखी। कैसी लग रही है आशी? और ये देखो, ये आराम से देख, तू कैसी लग रही है? अच्छा लग रहा है ना? तो दोस्तों देखो, हमारा तो हो गया है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये मैं अभी ट्राई, बहुत अच्छी लग रही है।